हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन अ फंक्शनल एनालिसिस टॉपिक ऑर्थोगोनलिटी। दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अपन अपने इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या अपने पास है। सबसे पहले अपने को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अपने पास कि लेट एम बी ए क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, एन के अपने पास कोई क्लोज लीनियर सब स्पेस एलिमेंट स्पेस एच का, देन तब अपने को प्रूव करना है कि जो एच है वो इक्वल होगा अपने पास एम, संख्या अपने पास प्लस है एम, एच जो है वो इक्वल होगा अपने पास एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के अपने पास क्या होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट है अपने पास कि लेट एम बी है क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एलिमेंट स्पेस एच, एन के अपने पास कोई क्लोज लीनियर सब स्पेस है, देन उसके लिए अपने को प्रूव करना है कि एच जो है अपने पास वो इस एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अपने पास। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। आप तो प्रूफ में सबसे पहले जो अपने को गिवन कंडीशन है वो क्या है अपने पास, अपने को गिवन कंडीशन है कि एम जो है वो अपने पास क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं इसके प्रूफ में। तो प्रूफ में अपने को जो सबसे पहले गिवन कंडीशन है वो अपने पास कि लेट एम बी ए सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, एम के अपने पास सब स्पेस है किसका, एच का सब स्पेस। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि एच जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये जो संख्या अपने पास प्लस की, इसके लिए अपने पास दो कंडीशन दिखाने अपने को कि एक तो क्या होना चाहिए कि जो एच जो है वो डायरेक्ट इनके प्लस के सम, इन दोनों के सम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड इसके साथ जो अपने पास कंडीशन है कि एम का इंटरसेक्शन यदि अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के साथ निकालें वो क्या होना चाहिए अपने पास, इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन दिखा देंगे अपन तो अपने पास क्या हो जाएगा कि जो एच है वो इसके क्या होगा अपने पास, इक्वल होगा। ठीक है, अब चूंकि अपने पास क्या है कि जो एम है वो सब स्पेस है किसका, एच का सब स्पेस है, और यदि एम इज अ सब स्पेस ऑफ एच देन अपन एक थ्योरम प्रूव कर रखी है। ठीक है, थ्योरम नंबर थर्ड का जो पार्ट सी है उसमें अपन ने प्रूव कर रखा है कि यदि अपने पास कोई सब स्पेस हो एच का, ठीक है, यदि कोई एस को अपने पास सब स्पेस है एच का, तो उस थ्योरम के लिए अपन ने प्रूव कर रखा था कि एस का इंटरसेक्शन यदि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस के साथ यदि करे तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या अपने पास कि एम जो है वो सब स्पेस है किसका, एच का, तो उस कंडीशन के लिए अपने पास क्या होगा कि एम का इंटरसेक्शन यदि अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के साथ करें देन तो अपने पास क्या होगा कि एम का इंटरसेक्शन यदि अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के साथ करें तो वो क्या देगा अपने को, जीरो देगा। ठीक है, ये कहाँ से लिखा अपन ने, बाय थ्योरम थर्ड पार्ट सी से, उसका जो पार्ट सी है उसमें अपन ने दिखा रखा है कि यदि एम वो सब स्पेस है तो उस सब स्पेस के लिए अपने पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब यानी कि अपन ने दिखा दिया कि एम का इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एम के साथ करे तो वो क्या हो रहा है अपने पास, इक्वल जीरो हो रहा है। ठीक है, तब अपने को क्या अभी दसा प्रूव करना रहेगा कि जो एच है वो अपने पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का केवल डायरेक्ट क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपने को प्रूव करना है, देखो तब अपने पास क्या होगा यहाँ पे, तो अपन लिखते हैं अपन यहाँ पे, ये तो चीज अपने पास होगी, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर टू सो दैट। ठीक है, तो अपने को यहाँ प्रूव करना है कि जो एच है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अब अपन केवल इतना से दिखा देते हैं कि जो एच है वो इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वी आर ओनली टू सो दैट, तब अपन केवल इतना से लिखाएंगे कि जो एच है अपने पास वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का डायरेक्ट सम होना चाहिए। ठीक है, तो एच को अपन को दिखाना है एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम दिखाना है अपने को। ठीक है, अब देखो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अपन ने टेक किया कि ये जो वैल्यू है इसको अपन ने एक नया सेट कंसिडर किया है, तो अपन ने टेक के यहाँ पे टेक एन इक्वल टू एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन। ठीक है, तो इसको क्या किया अपन ने, एन टेक किया एन इक्वल टू एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, देन तब अपने को क्या शो करना रहेगा, देन सो दैट, तो अपने को शो करना है कि ये जो एन है अपने पास वो किसके इक्वल होना चाहिए, एच के इक्वल होना चाहिए, तो देन सो दैट एच इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास, एन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने को जो दिया हुआ, अपन ने जो टेक किया वो ये अपने पास,
एन इक्वल टू एम प्लस ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। अब यदि इसके लिए अपन बात करें तो ये जो एम है ये भी इस पूरे का क्या होगा, सबसेट होगा, और ये जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम है ये भी क्या होगा, इस पूरे का क्या होगा अपने पास, सबसेट होगा। तो यहाँ से अपन लिखते हैं कि एम जो है ये भी सबसेट होगा किसका, एन का, एंड ये जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम है ये भी किसका सबसेट होगा अपने पास, एन का सबसेट होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो तो पूरा है अपने पास। और यदि पर्टिकुलर एम की अगर बात करें तो ये जो एम है वो भी इस पूरे का सबसेट है, और ये ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम जो है ये भी क्या अपने पास, इस पूरे का सबसेट होगा। ठीक है, तो एम भी सबसेट है किसका, एन का, और ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम भी किसका सबसेट है, एन का सबसेट है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों पे ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इस पे भी अपन ने ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया। अब चूंकि अपन जानते हैं कि यदि S1 सबसेट हो S2 का, तो इसके लिए जब अपन ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करते हैं तो वो होता है S2 का ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबसेट ऑफ S1 का ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यदि S1 सबसेट हो S2 का, तो जब इस पे अपन ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अपने पास। तो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ठीक है, तो दोनों पे ये क्या अपन ने ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया तो ये क्या बनेगा, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज सबसेट ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। ठीक है, एंड ये क्या बनेगा अपने पास, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज सबसेट ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, यानी कि m पे डबल ऑर्थो हो गया अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों का जब अपन देखें तो n भी इसका सबसेट है और n ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो ये जो n है वो दोनों का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n जो है अपने पास ये सबसेट होगा किसका, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, इसका इंटरसेक्शन यदि अपन किसके साथ कर दें, m डबल ऑर्थोगोनल के साथ कर दें, तो ये m n जो है ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी क्या होगा, वो सबसेट होगा। ठीक है, अब चूंकि अपन यहाँ पे जानते हैं कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m जो है ये भी क्या होता है अपने पास, सभी स्पेस होता है, थ्योरम नंबर सेकंड में अपन ने प्रूव कर रखा है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m भी अपने पास सभी स्पेस है, और ये भी सभी स्पेस है, तो ये जो पूरी वैल्यू है अपने पास ये किसके इक्वल चलेगी अपने पास, जीरो के ही इक्वल चलेगी अपने पास, क्योंकि ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम भी क्या होता है अपने पास, सभी स्पेस होता है। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल हो गया अपने पास, जीरो के इक्वल हो गया। अब इस यहाँ से क्या होगा अपने पास कि जो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन जो है ये सबसेट है किसके अपने पास, जीरो के सबसेट है, और अपन जानते हैं कि जो जीरो है ये तो हमेशा क्या होता है अपने पास, सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो एन ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इज सबसेट ऑफ जीरो, और अपन जानते हैं कि जीरो तो हमेशा क्या होता है अपने पास, सबसेट होता है, तो जीरो सबसेट ऑफ ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, और इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन एक साथ अप्लाई करें तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, कि ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन जो है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, जीरो के इक्वल हो गया अपने पास। ठीक है, तो ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल चलती है, जीरो के इक्वल चलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब अपन एक काम करें इस पर, यदि इस पे फिर से दोनों तरफ अपन ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करें, ठीक है, तो भाई फिर अपन ये वाली कंडीशन काम में ले रहे हैं, दोनों तरफ अपन ने ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया तो ये क्या बनाएगा अपने पास। ठीक है, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो जब दोनों पे ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे अपन यहाँ पर, या फिर अपन एक काम करें, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इक्वल चल रहा है किसके, जीरो के, तो अपन ने क्या किया दोनों तरफ ऑर्थोगोनल ऑपरेट किया तो ये क्या बना देगा अपने पास, एन डबल ऑर्थोगोनल इक्वल टू जीरो का क्या हो गया, ऑर्थोगोनल इक्वल की कंडीशन है, और दोनों तरफ अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया तो दोनों तरफ अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया तो इधर क्या बन गया अपने पास, एन डबल ऑर्थोगोनल, और उधर क्या बन जाएगा अपने पास, जीरो का ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन जानते हैं क्योंकि यदि जीरो पे ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है अपने पास, एच के इक्वल होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो जीरो का जो ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो जो है वो तो किसके इक्वल होता है अपने पास, एच के इक्वल होता है। ठीक है, और एन जो है अपने पास वो क्या अपने पास, एम प्लस ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, एम भी क्या अपने पास सभी स्पेस है, ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, सभी स्पेस होता है, तो जो एम प्लस ऑर्थोगोनल जो होगा अपने पास, यानी कि जो पूरा एन है ये भी क्या होगा, सभी स्पेस होगा किसका, एच का, तो ये जो एन है ये भी क्या अपने पास है, सब स्पेस है। ठीक है, सब स्पेस है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एन का जो डबल ऑर्थोगोनल है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, एन के इक्वल होगा, ये अपन ने पहले प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो इसको तो लिख सकते हैं अपन क्या, एन, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
एच यानी कि एन किसके इक्वल हो रहा है अपने पास, एच के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो एच है वो किसके इक्वल हो गया अपने पास, एम प्लस एम ऑर्थोगोनल के। एंड इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि एम का इंटरसेक्शन यदि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम के साथ करेंगे तो वो क्या हो रहा है, जीरो। ये कंडीशन अपन ने यहाँ से प्रूव कर दी, और ये कंडीशन अपन ने पहले दिखा रखी है, ठीक है। और दोनों को यदि अपन कंबाइन करेंगे एक साथ तो अपने पास बनेगा एच इक्वल टू एम प्लस एम ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एम प्लस एम ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो एम को अपन क्या करेंगे, क्लोजली सब स्पेस लेकर चलेंगे, और उसके लिए अपने को ये वाली कंडीशन दिखानी है। इस कंडीशन के लिए अपने को दो चीजें दिखानी है, एक तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो, और एक बार इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एच के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब एम के अपने पास सब स्पेस है, और सब स्पेस है तो अपन जानते हैं कि एम इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम इक्वल किसके चलता है, जीरो के, ये अपन ने पहले दिखा रखा है, ठीक है। अब अपने को केवल इन दोनों का जो डायरेक्ट सम है वो किसके इक्वल दिखाना है, एच के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अपन ने क्या किया कि इस एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम को क्या किया, अपन ने नया वेक्टर टेक किया है, तो नया मान लिया, नया सेट अपन ने मान लिया एन, एन इक्वल टू एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। अब ये टेक किया अपन ने एन, तो अपने को क्या दिखाना है, केवल कि जो एन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एच के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एन को अपने को केवल एच के इक्वल दिखाना है। अब ये जो पूरा सेट है इसको देखें अपन, तो एम जो है वो भी इस पूरे का सबसेट होगा, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एम जो है वो भी इस पूरे का ही क्या होगा अपने पास, सबसेट होगा, ठीक है। तो एम ही सबसेट ऑफ एन, और ये भी किसका सबसेट है, एम का ही सबसेट है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, दोनों तरफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया, ठीक है। तो एस वन सबसेट एस टू, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस टू सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस वन, ठीक है। तो ये एन, ये एम, और ये एन, और ये एम, दोनों तरफ अपन ने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया, ठीक है। अब ये इसका भी सबसेट है, और ये इसका भी सबसेट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, ये दोनों इंटरसेक्शन का भी सबसेट है, ठीक है। और फिर अपन जानते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम जो है ये भी क्या है, सब स्पेस है, तो ये क्या होगा अपने पास, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा अपने पास, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इज सबसेट ऑफ जीरो, और जीरो तो क्या होता है अपने पास, सबसेट होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन का, ये तो ऑब्वियसली है, हमेशा होता है, ठीक है। और इसका मतलब इन दोनों को यदि अपन साथ में लिखें तो क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इस पे अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया, दोनों तरफ अपन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट किया, तो एन डबल ऑर्थोगोनल इक्वल टू जीरो का जो ऑर्थोगोनल है। अब जीरो का ऑर्थोगोनल इक्वल चलता है किसके, एच के। एन डबल ऑर्थोगोनल किसके इक्वल होगा, एन के, क्यों, क्योंकि एन के अपने पास सब स्पेस है, ठीक है। और सब स्पेस है तो एन इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एच, एन इक्वल टू एच, और ये वाली कंडीशन है तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो एच इक्वल टू एम प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, ठीक है। ये तो अपने पास क्या है, प्रोजेक्शन थ्योरम। अब इससे रिलेटेड अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, अपने पास क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो अपने पास क्या है, ऑर्थो नॉर्मल सेट की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास ऑर्थो नॉर्मल सेट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो ऑर्थो ऑर्थो नॉर्मल सेट, ठीक है। तो ऑर्थो नॉर्मल सेट की डेफिनेशन क्या अपने पास, इसमें अपन लिखते हैं कि लेट, डेफिनेशन लिख रहे हैं कि, लिख रहे हैं अपन यहाँ पर डेफिनेशन अपने पास कि नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट अपने पास क्या है, ई आई, नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई ऑफ एलिमेंट स्पेस एच ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, एक नॉन एम्प्टी सबसेट अपने पास ही है हिल्बर्ट स्पेस एच का, ठीक है। देन एच यानी कि ये जो ई आई अपने पास, अब ये ई आई ऑर्थो नॉर्मल सेट कहलाएगा अपने पास, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी, एच इज सेड टू बी ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल सेट फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट क्या होगा अपने पास कि जो नॉर्म ऑफ ई आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए अपने पास, नॉर्म ऑफ ई आई किसके इक्वल होना चाहिए अपने पास, वन के, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल आई के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये अपने पास। सेकेंड कंडीशन लिखे अपन यहाँ पर, सेकेंड कंडीशन अपने पास क्या हो
कि जो आई नॉट इक्वल टू, अगर अपन जे की बात करें, आई इज नॉट इक्वल टू जे की अगर अपन बात करेंगे, उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए कि ई आई और ई जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए अपने पास, इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए क्या होना चाहिए अपने पास, ये ई आई और ई जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए अपने पास, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है अपने पास, यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ठीक है, दोनों नॉर्मल सेट की डेफिनेशन क्या अपने पास कि नॉन एम्प्टी सबसेट ई आई ऑफ एलिमेंट स्पेस एच इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा अपने पास ई आई जब ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट तो क्या है कि इसका जो नॉर्मल है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। ठीक है, आई की किसी वैल्यू के लिए। और सेकंड क्या है कि जब आई नॉट इक्वल टू जे अगर अपन बात करें, तो दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है ई आई कोमा ई जे का इनर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए अपने पास, इक्वल किसके चलना चाहिए अपने पास, जीरो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये जो सेट है अपने पास ई आई, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट।